प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश में बढ़ रही अराजकता, बेरोजगारी, लूट, हत्या, छिनैती, बलात्कार जैसे कई अन्य मामलों में सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने से नाराज होकर करना बताया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील परिसर पहुंचकर उपजिलाधिकारी अतुल श्रीवास्तव को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। सपा नेता सरताज खान ने बताया कि आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर देश में बढ़ रही बेरोजगारी, लूट, हत्या की छिनेती, छात्रों की फीस वृद्धि व अन्य मामलों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर सरताज खान, अहमद खान, अमित सिंह व मुजीब खान समेत कई मौजूद रहे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जन विरोधी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना निश्चित किया गया था और उसके तहत जो माननीय महामहिम जी राज्यपाल महोदय जी हैं उनको ज्ञापन देना था, जिसके माध्यम से हमने आज यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं तहसील स्तर के शाहबाद से उनको अपना महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने का काम किया है। सभी हमारे संगठन के कार्यकर्ता लोग थे, सभी हमारे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा, लेकिन हम पुरजोर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का इसकी नीतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश यादव जी उन्होंने आह्वान किया है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्रूर और निर्दयी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, तो इसके विरोध में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए थे और तहसील स्तर पर पूरे प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हमने उस कड़ी को पूरा किया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।